तो व्हाट्सअप गाइस, फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारा जनरल स्टॉक मार्केट अड्डा में। तो दोस्तों बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी शेयर के बारे में। दोस्तों ये व्हीकल बनाता है, ठीक है, मारुति सुजुकी एक लीडिंग वाला कंपनी है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे और टारगेट भी आपको प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो पे अगर आप न्यू देख रहे हो वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए। और दोस्तों आप देखोगे तो ये शेयर 7498 यानी 7500 रुपये में शेयर ट्रेड हो रहा है। क्या इसका आगे का टारगेट रहेगा? 5 डे में देख सकते हो शेयर गिरावट में दिख रहा है। 1 मंथ में 8% की रिटर्न दिया है, 6 महीने में 12% की रिटर्न दिया है, 1 ईयर में 2.5% की गिरावट है, 5 ईयर अगर हम लोग देखेंगे 32% की रिटर्न दिया है। कोविड के टाइम में शेयर 4000 रुपये में मिल रहा था, लेकिन बीच में ही ये शेयर 8000 तक गया था। और इसका जो आगे का टारगेट रहेगा ना दोस्तों, वो रहेगा 9000 का टारगेट, ठीक है। 9000 का टारगेट यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ मारुति सुजुकी का। अगर हम लोग मैक्सिमम देखेंगे तो 4225% की रिटर्न दिया है, 173 करके लिस्टिंग हुआ था 2003 में, और इसका लाइफ टाइम हाई 10000 रुपया है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर NSE के ऑफिशियल वेबसाइट में थोड़ा सा डाटा चेक करेंगे, लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन में 8 लाख के करीब वॉल्यूम था, 8.5 लाख, और 8329 इसका हाई है, 6400 इसका लो है। लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन में बाय ज़्यादा था, 69% की माल उठाया गया है। और दोस्तों आप देखोगे तो 27 अक्टूबर को रिजल्ट आने वाला है, यानी इसी मंथ रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट अगर पॉजिटिव आ जाता है, शेयर फायर होकर मैं जितना टारगेट दिया हूँ वहाँ तक जल्दी चला जाएगा। प्रमोटर होल्डिंग एक भी शेयर गिर भी नहीं है। चलिए पूरा डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। तो ये जो शेयर है BSE NSE दोनों में लिस्टिंग है, और आप देखोगे तो 2,26,000 करोड़ का मार्केट कैप है। सेक्टर पी 44 है, बुक वैल्यू 1738 है, डिविडेंड कंपनी 0.60 प्रोवाइड करता है, ROC 5.20 है, ROE यहाँ पर 4.40 है, फेस वैल्यू 5 का है, कर्जा ना के बराबर है, 541 करोड़ का कर्जा है, रिजर्व कई गुना ज़्यादा है, 52,000 करोड़ का रिजर्व कंपनी रखा है, एसेट 71,000 करोड़ का एसेट है। और आप देखोगे तो फ्री कैश भी कंपनी के पास पड़ा है जो कि 6,528 करोड़। प्रॉफिट कंपनी 3 ईयर से जनरेट अच्छा नहीं कर पा रहा है, माइनस में चल रहा है। अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हो 170 रुपया है, 52,000 नेटवर्थ कंपनी का है, डिविडेंड पे आउट 31% है, यानी कर्जा मुक्त कंपनी आप बोल सकते हो, ठीक है। अगर हम लोग नीचे जाएंगे देखेंगे, ये जो कंपनी है ऑलमोस्ट डेट फ्री घोषित हो गया है, ऑटोमोबाइल में काम करता है मारुति सुजुकी, एक नंबर कंपनी है इंडिया में इस फील्ड में। क्वार्टरली कारोबार देखेंगे, एक्सपेंड हुआ था 16,900 का, 17,700 का सेल हुआ है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 1241 करोड़ से 475 करोड़, यानी क्वार्टर वाइज हम लोग को भयंकर गिरावट दिख रहा है प्रॉफिट में। ईयर वाइज अगर हम लोग चेक करेंगे, 77K का एक्सपेंड हुआ था, 84K का सेल हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे नेट प्रॉफिट 4,300 से 5,132 करोड़ का शानदार मुनाफा कमाया है, यानी क्वार्टर वाइज गिरावट है, ईयर वाइज जबरदस्त तेजी है। अगर हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे 4% है, CAGR 9% है, 27% कंपाउंडिंग ग्रोथ है। बैलेंस शीट अगर हम लोग चेक करेंगे, एसेट में क्या हालचाल, एसेट में भयंकर तेजी है, नेट कैश फ्लो में भी भयंकर तेजी है, आगे माइनस था। होल्डिंग अगर हम लोग चेक करते हैं, पब्लिक के पास दोस्तों 56 है, सॉरी प्रमोटर के पास 56 है, FI वाले के पास 22% है, DI वाले के पास 15% है, पब्लिक के पास 4.97 है। तो दोस्तों सारा पैरामीटर देखने के बाद मैं आपको टारगेट देता हूँ 9000 का, जरूर से शेयर 9000 तक जाएगा, क्योंकि कर्जा मुक्त कंपनी है, कारोबार भी ठीक ठाक से चल रहा है और लीडिंग वाला कंपनी है, ठीक है। तो होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आएगी दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कौन ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।